मिनट में बनने वाला एक बहुत ज्यादा टेस्टी स्नैक, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इजी कुकिंग विद नीरू पे। तो आज मैं आप सबके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करूंगी जो बच्चों को और बड़ों को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी और बनाने में आसान है। चिली पोटैटो पॉपकॉर्न, जो मेरा तो फेवरेट है ही। तो चलिए आज की रेसिपी हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने 6 आलू लिए हैं, ये देखिए, और इसे धुल के छील लिया है। चिली पोटैटो पॉपकॉर्न के लिए आपको आलू बड़े साइज के लेने हैं। तो अब हम लोग इसे कट कर लेते हैं। आप किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। हम लोग इसे ऐसे स्लाइस में करके फिर ऐसे क्यूब्स में कट कर रहे हैं। तो ऐसे ही हम लोग बची हुई आलू कट कर लेंगे और आप इसे काट के पानी में डालते जाइए ताकि इसका स्टार्च है वो भी निकल जाए और आलू काले ना पड़े। तो ये देखिए, हमने इसे ऐसे क्यूब्स में कट कर लिया है। अब हम लोग इसे 2 से 3 पानी से अच्छे तरीके से धो लेते हैं। तो हमने इसे अच्छे तरीके से धो लिया। अब हम लोगों को आलू को सुखाना है। तो यहाँ पे हमने एक साफ कपड़ा लिया है, इसमें हम लोग आलू डालेंगे और इस कपड़े से इसे पोंछ के सुखा लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से। तो ये देखिए, हमने आलू को सुखा लिया है। इसमें हल्का सा मॉइस्चर है, तो आपको इसे एकदम ड्राई नहीं करना है। अगर आप इसे एकदम ड्राई कर लेंगे तो हम लोग जब इसे मैरिनेट करेंगे तो मसाले इस पे अच्छे से नहीं लगेंगे। तो हम लोग एक बोल लेंगे और इसमें हम लोग सारे आलू डाल देते हैं। तो चलिए अब इसे मैरिनेट करते हैं। सबसे पहले आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला पाउडर, 4 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लावर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच नमक। आप नमक अपने हिसाब से डालिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि नमक सॉस में भी होता है। तो अब हम लोग इस सब को अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। ये देखिए, तो ये देखिए, हमने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से मिला लिया है। तो अब चलिए इसे फ्राई करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ली है, गैस फ्लेम ऑन किया है और कढ़ाई को गर्म होने देंगे। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है। अब हम लोग इसमें डालेंगे तेल। तो यहाँ पे हम लोग रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं। तेल आपको इतना डालना है जिसमें हम लोग आलू फ्राई कर सकें। तेल को गर्म होने देंगे। तो तेल हमारा गर्म हो गया है। अब चलिए हम लोग आलू फ्राई करते हैं। तो इसमें हम लोग आलू डालेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक मीडियम फ्लेम पे अलट पलट के फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारे क्रिस्पी पोटैटो फ्राई हो गए हैं। अब हम लोग इसे फ्रिज में निकाल लें। तो ये देखिए, हमारे मैरिनेटेड पोटैटो कितने ज्यादा क्रिस्पी साउंड कर रहे हैं। तो अब हम लोग चलिए चिली पोटैटो पॉपकॉर्न बनाना शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पे वही कढ़ाई ली है और इसमें से सारा तेल निकाल लिया है। बस इसमें 2 से 3 चम्मच तेल है। तो अब हम लोग गैस को फ्लेम ऑन करेंगे और तेल हमारा गर्म है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें डालेंगे 2 से 3 कटी हुई बारीक लहसुन। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा अदरक डाल देंगे, 1 कटा हुआ प्याज जिसकी हमने ऐसी कली निकाल ली है, 1 शिमला मिर्च इसे हमने स्लाइस में कट कर लिया है, और 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च मिला लेंगे। गैस का फ्लेम हाई रहेगा। तो अब चलिए इसमें हम लोग सॉस ऐड करते हैं। आधा चम्मच ग्रीन चिली सॉस, गैस को फ्लेम लो कर देंगे और इसमें डालेंगे आधा चम्मच रेड चिली सॉस, आधा चम्मच सोया सॉस, आधा चम्मच विनेगर, थोड़ी सी काली मिर्च, स्वाद अनुसार नमक। एक बात का ध्यान रखिएगा कि हमने पोटैटो को मैरिनेट करते समय भी नमक डाला है और सॉस में भी नमक होता है। इन सबको अच्छे से मिलाएंगे, गैस का फ्लेम हाई कर देंगे। तो अब हम लोग एक कटोरी में 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर लेंगे और इसमें डालेंगे पानी थोड़ा सा, मिला लेंगे रेड फूड कलर। तो अब हम लोग इसे इसमें डालेंगे, मिला लेंगे, थोड़ा सा और पानी ऐड कर देते हैं। अब इसमें हम लोग पोटैटो पॉपकॉर्न ऐड करेंगे, मिला लेंगे, गैस का फ्लेम हाई रहे। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच सफेद तेल, इसे हमने हल्का रोस्ट कर लिया है। ये देखिए, मिला लेंगे
और ये देखिए हमारा बहुत ही ज्यादा टेस्टी चिली पटाटो पॉपकॉर्न बनके तैयार है। आखिरी में ऐड करेंगे धनिया पत्ता और अब करेंगे गैस का फ्लेम ऑफ और चलिए इसे सर्व करते हैं। तो ये देखिए हमारा बहुत ही ज्यादा टेस्टी चिली पटाटो पॉपकॉर्न बनके तैयार है, जो देखने में तो ज्यादा टेस्टी लग रहा है और खाने में ये बहुत ही ज्यादा यमी और डिलीशियस होता है, बनाने में आसान है। तो एक बार आप हमारी ये रेसिपी जरूर बनाइए। तो अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिए हमारे और ऐसी टेस्टी रेसिपीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।